हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग चैनल। और देखिए दोस्तों, आज फिर से मैं आपको यहाँ पे यमुना नदी का अपडेट देने वाला हूँ। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई को मैं अपडेट दे रहा हूँ। देखिए, मुझे खबर आई थी कि यमुना नदी का पानी दोबारा से यहाँ पे भरने लगा है, तो अब मैं जा रहा हूँ यमुना नदी की तरफ को। तो देखिए दोस्तों, जहाँ से अब मैं जा रहा हूँ, लास्ट टाइम पानी यहीं तक हमारा आया था, तो अब मैं देख लेता हूँ यमुना नदी के अंदर पानी का लेवल बढ़ा है नहीं बढ़ा है, वही मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यमुना नदी के पास। पहले जो यमुना नदी बहती थी हमारी, यहीं से बहती थी, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गई है थोड़ी दूर साइड को। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारी शिफ्ट हो गई है, लेकिन जो पानी है वो भरना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। देखिए, जो रास्ता है हमारा, मेन रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर को पानी आना स्टार्ट हो गया। यानी जो हमारा लेफ्ट से राइट साइड को पानी आता है, यो वैसे यमुना जो जाती है हमारी राइट को लेफ्ट जाती है, लेकिन जो यमुना नदी का पानी यहाँ पे जो खेत है ये हमारे, और इनमें लास्ट टाइम जो पानी आया था सब कुछ फिल हो चुका था। पूरा जो जंगल था हमारा यहाँ पे फिल हो चुका था, जिसकी वजह से क्या होता, दिल्ली के अंदर हमारा बाढ़ आ गई थी। अब देखें यहाँ पे जो रास्ते के अंदर जो पानी है यहाँ पे वो भर चुका है, और एक दिन पहले तक रास्ते पर कोई पानी नहीं था। साइड में खेत है उन पे भी कोई पानी नहीं था, सूख चुका था पानी, लेकिन आज सुबह से पानी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। और अब देखो, खेतों में तो पानी भर ही चुका है, साथ ही आप देख ही रहे हैं रास्ते पर पानी, देखे किस तरह से जब चल रहा है, यानी जो लेफ्ट टू राइट हमारा पानी बहना स्टार्ट हो गया है, यानी पानी का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। जो दिल्ली के अंदर अगर लेवल यहाँ पे बढ़ता है तो दिल्ली के अंदर क्या आता है, बाढ़ खतरा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए पानी भर चुका है, अभी शाम की अपडेट है, क्योंकि हथनी कुंड से कल 2.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, जो अब आना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है बागपत सिटी के अंदर। और अब ये पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कल सुबह तक पानी इतना आ जाएगा यहाँ पे, वो देखेंगे हम सुबह के टाइम पे भी कितना पानी का लेवल बढ़ा है नहीं बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ रहा है तो समझ लीजिए दिल्ली के अंदर बाढ़ के खतरा दोबारा मंडरा रहा है, दिल्ली में बाढ़ आ सकती है। अगर यहाँ पे लेवल हमारा पूरा जंगल डूब जाता है तो क्या होगा, पूरा दिल्ली के अंदर दोबारा से बाढ़ आ जाएगी। इस बार क्या बाढ़ कुछ ज़्यादा आपका इफेक्ट देगी, क्योंकि पहले क्या था, तो जो पानी था वो मिट्टी ने पिया था, इसलिए कम इफेक्ट रहा था। लेकिन इस बार पहले से ही पानी है यमुना नदी के अंदर, और 2.5 लाख क्यूसिक पानी और आ जाएगा, तो क्या होगा, पानी जो बाढ़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो देखें, लास्ट टाइम जो पानी आया था हमारा, जहाँ पर हमारे गाँव के पर्सन खड़े हैं, यहाँ तक पानी हमारा आया था, और दिल्ली के अंदर काफ़ी इलाकों में पानी भर चुका था। तो यहाँ पे लास्ट टाइम पानी आया था, लेकिन अभी जो पानी आया है, अभी कम ही पानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जंगल अभी खाली है हमारा, यानी कुछ जगह ही अभी पानी मिल रहा है। लोग बाग यहाँ पे जो पानी का लेवल दोबारा बढ़ा है वो देखने आ रहे हैं कि पानी कितना आया है अभी, और बोला जा रहा है 2.5 लाख क्यूसिक जो पानी छोड़ा गया था कल हमारा, वो 48 घंटे के अंदर हमारा यहाँ पे आके पहुँचता है। तो 48 घंटे में भी 24 घंटे हो चुके हैं, और 24 घंटे में देखिए पानी का लेवल यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो समझ लीजिए दिल्ली के अंदर बाढ़ आना तय है, और अगर ये लेवल और ज़्यादा बढ़ा तो दिल्ली के अंदर दोबारा बाढ़ आ सकती है। तो अभी तो जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, अभी इतना ज़्यादा पानी नहीं आया है, लेकिन लगभग पानी हमारा यहाँ पे आ चुका है। जो 2.5 लाख क्यूसिक पानी अभी आना बाकी है, वो हमारा 48 से 72 घंटे में इफेक्ट दिखाता है हमारे जंगल के अंदर। तो ये बागपत सिटी है, तो यहाँ पे देखे गांव के पर्सन आने स्टार्ट हो गए हैं देखने कि पानी का क्या यहाँ पे लेवल इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पानी का लेवल तो देखो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे सारे, देखिए साथ में हमारे यहाँ पे दोस्त हैं जो जार, तो मैं पानी देने आया था प्लॉट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे देखा कि पानी का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। शाम की अपडेट 23 जुलाई की है, और 24 जुलाई को सुबह के समय भी मैं चेक करूंगा कि पानी का लेवल हमारा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अभी तो फिलहाल जो लेवल है यहाँ पे बढ़ रहा है। और देखिए मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ एक पेड़, लास्ट टाइम जो पानी का लेवल जो आया था, देखिए पेड़ पर देख रहे हैं आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है निशान, जहाँ तक वहाँ तक लेवल रहा था लास्ट टाइम पानी का। तो इतने लेवल पर ही जो पानी का लेवल आया था, उसमें दिल्ली हमारी आधी डूब गई थी, यानी जो दिल्ली के यमुना नदी के आसपास जो किनारे हैं, वो उस किनारे में जो आपके एरिया हैं वो सब कुछ डूब गए थे, लाल किला हमारा, ITO, काफ़ी ज़्यादा एरिया हमारा यहाँ पे डूब चुका था। तो दोस्तों ये है आज की अपडेट। तो मेरे हिसाब से जो यमुना नदी का लेवल है दोबारा से बढ़ रहा है, पानी जल्दी ही यहाँ पे आके अपना इफेक्ट दिखाएगा, और दिल्ली पर फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों आपको आज की अपडेट कैसी लगी, अगर आपको आज की अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।